अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। ऐसे में मध्य प्रदेश के ग्वालियर की सेंट्रल जेल में बंद 3,000 से भी ज्यादा कैदी भी राम की भक्ति में डूबे हैं। अंचल की सबसे बड़ी जेल में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इस राम मंदिर का उद्घाटन भी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही होगा। कैदी दिन प्रतिदिन राम नाम का जाप कर रहे हैं। मुस्लिम कैदी भी भगवान राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। जेल में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम कैदी है। बता दें कि जेल में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम कैदी है जो सुबह शाम जेल में राम धुन गाकर भगवान श्री राम की आराधना कर रहे हैं। जेल में मुस्लिम कैदी धर्म की बेड़ियां तोड़कर राम भक्ति में इस कदर लीन हो गए हैं जैसे मानो उनका भगवान राम से पुनर्जन्म का या जन्म जन्मांतर का कोई नाता हो। जेल प्रबंधन भी पुलिस कैदियों की राम भक्ति को देखकर बेहद आश्चर्यजनक है। जेल प्रबंधन के मुताबिक मुस्लिम कैदी एक तरफ 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं तो दूसरी तरफ रामायण का पाठ और सुंदर कांड का भी पाठ करते नजर आते हैं। ग्वालियर से योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। जेल में तो सभी धर्मों के लोग हैं और उसमें जैसे कि अब पूरा देश ही अपना राममय है और अयोध्या में जो मन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसी के परिप्रेक्ष्य में जेल के बंदी कहीं वहाँ पे जा नहीं पाएंगे तो जेल में ही अपन ने मंदिर का निर्माण करवाया और राम दरबार की स्थापना की जा रही है। तो इसमें लगभग कितने कैदी होंगे? वैसे तो जेल में लगभग 3,500 के कैदी परिरुद्ध हैं जिसमें से सजा याफ्ता 2,500 के करीब हैं। इसमें सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हैं तो सभी लोग मिलकर इसमें धार्मिक उसमें अवसर पर सभी एकजुट होकर सभी उसको मना रहे हैं। तो बताइए राम दरबार भी लगा रहे हैं? हाँ, राम दरबार ही लगा रहे हैं, जयपुर से मंगाया है। तो राम दरबार की 22 तारीख को ही अयोध्या की भांति यहाँ पे भी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है।